बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करें। शुरुआत करता हूं, आज की जो क्वेश्चन होंगे वर्ग और घनों पर होंगे, यानी कि वर्ग निकालना, 1 से 10 तक की संख्या होगा, 1 से 20 तक की, 15 से 20 तक की, इस तरीके से। तो सवाल दिया गया है वर्ग पे, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग, 1 से 10 तक की संख्या के वर्ग का योग ज्ञात करो। ये कहना क्या चाहता है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 जोड़ दे, 3 का वर्ग 9 जोड़ो, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ो और आंसर दो। तो मैंने आपको संख्याओं के 1 से 50 तक की संख्या का योग करना सिखाया, 1 से 100 तक की, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 80 तक की, सब सवाल मैंने आपको सिखाए है। अब मैं इसे तो प्रैक्टिकल बताऊंगा तो बहुत लंबा पड़ेगा वो, तो आप वर्ग वाले क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस पर कर लोगे। पूरे मैथ के अंदर फॉर्मूला नहीं लगाता, लेकिन वर्ग और घन वाले सवाल ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। ना समय कार्य, ना पाइप टंकी में समानुपात, ना प्रतिशतता, ना लाभ हानि, ना बट्टे में चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज, समय दूरी, नाव धारा, रेल संबंधी, क्षेत्रफल, आयतन, मैं किसी भी चैप्टर फॉर्मूला नहीं लगाता। लेकिन ये 2 सवाल ऐसे आते हैं वर्ग और घन वाले कि बच्चों की आसानी के लिए मैं इनमें फॉर्मूला लगा देता हूं। तो अगर आप सब वर्ग कर रहे हैं कि 1 से 10 तक का वर्ग, 1 से 20 तक का वर्ग, 1 से 50 तक के वर्ग का योग, आप क्या करोगे, n n जमा 1 2 n जमा 1 बटे 6। ये जो फॉर्मूला है ये लगातार का है, लगातार का, यानी कि इसका मतलब है ये 1 से, इसका मतलब है 1 से जहां तक पूछी गई है, यानी कि ये 1 से जहां तक पूछी गई है वहां तक का योग निकाल कर आपको देगा ये फॉर्मूला। तो n का मतलब होता है लास्ट संख्या, इसका मतलब होता है लास्ट संख्या, इसका मतलब होता है लास्ट संख्या यानी जो पूछा गया है। अब क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक, तो ये वर्ग में लिखना है यहां पे, ये लास्ट संख्या 10 है, तो n का मतलब होता है लास्ट संख्या यानी 10वीं, ये 10। तो कैसे लिखोगे, यहां n की जगह लिखो 10, वर्ग में लिखना 10 लिखना है खाली। अब ये कोष्टक है लगा दो आप, n का मतलब है 10 और जमा 1, कुछ भी नहीं करना बस, ये इसका मतलब है 2 की गुणा n के मान में करो, ये 2n है, इसका मतलब है 2 की गुणा n के मान में करो, तो 2 गुणा 10, n का मान है 10 और जमा 1 बटे 6। तो देखो क्या करोगे आप, बराबर 10, कोष्टक खोलो 10 और 1 11, कोष्टक खुलते ही यहां बीच में गुणा का निशान होता है तो गुणा 11। अब कोष्टक खोल लो, 10 × 20 = 21, ये बीच में गुणा का निशान है, गुणा 21 बटे 6, 3 × 6 = 3, 7 = 21, 2 × 5 = 10 बराबर 385 का आंसर होगा। क्लियर, यानी कि आप 1 से 10 तक का याद भी कर सकते हो, 385 आंसर होता है। कभी कभार अगर सूत्र गलती हो जाए तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सूत्र गलत लिख भी दिया तो आपका आंसर 385 नहीं याद होगा। तो अगर इतना भी याद है 385 है तो सूत्र किसी दिन गलती भी रखा गया आपसे तो आपको पता होगा कि हमारा सूत्र कहीं ना कहीं गलती लिखा गया, कुछ ना कुछ छूट गया है सूत्र में। क्लियर इस बात को लेकर, और यहां से सवाल क्या घुमाता है वो, लेकिन जो ये फॉर्मूला है ये 1 से शुरू होता है और जहां तक पूछी गई है, ये फॉर्मूला 1 से शुरू होता है जहां तक पूछी गई है वहां तक का योग निकालता है। लेकिन अगर आपसे सवाल कह रहे हैं कि 5 जमा 6 जमा 20 तक के, 20 तक के वर्ग का योग निकाल लो, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यही लगेगा, ये क्या है लगातार का है, ये लगातार का है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अगर लगातार संख्या दे रखी है फॉर्मूला लगातार तक का है, और कहां से निकालता है, 1 से निकालता है जहां तक पूछी गई है। क्लियर, तो क्या करोगे आप, कहां तक पूछी है 5 से 20 तक, तो लास्ट संख्या क्या है 20, तो इनकी जगह रखो 20 जमा 1, क्लियर, कोष्टक यहां रखो, एन का मान 20 गुनी
40 जमा 1 और बटे 6। अब क्या करोगे, ये 20 लिखो, अब 20 से 1 21 तो गुणा में 21, 40 से 41 गुणा में 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21 कितना आ गया, हो ये आ गया 10, तो कितना हो गया 70 गुणा 41, तो 7 ही कम 7, 7 चौ 28, तो आंसर आ गया 28 70। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, ये जो 28 70 आंसर है ये 1 से 20 तक का वर्ग का योग है, ये 1 से 20 तक के वर्ग का योग है। लेकिन क्यों क्यों ये फॉर्मूला जो निकालता है 1 से लेकर जहां तक पूछी गई वहां तक निकालता है, लेकिन पूछा गया है आपसे 5 से लेकर 20 तक, तो आपको क्या करना है इस 28 70 में से, आपको क्या करना है इस 28 70 में से 1 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग घटा दो, तो 4 का वर्ग 16 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1, तो 16 4 20 9 29 30, तो -30 कर दो बस आप, 0 4 8 2, तो 28 40 इसका आंसर होगा, आपको ऐसा करना है। तो 1 से लेकर 4 तक का वर्ग सबको याद रहे, तो आप इनको जोड़कर घटा सकते हो, लेकिन अगर लंबा सवाल पूछ ले तो कैसे करोगे, समझो, कोई बात नहीं समझो। अगर आपसे कह दें कि 10 का वर्ग 11 का वर्ग जमा 12 का वर्ग और का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, अब क्या करना है इसी सूत्र में रख दो, ये लगातार सूत्र है 10 11 12, अब रखो 20, रख दिया 20, 20 से 21 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 से गुणा 21 गुणा 20 दूनी 40 से 41 बटा 6, अभी मैंने करा था ये 3 दूनी 6 3 सते 21 कितना आ गया 10, 10 गुणा 7 70 70 गुणा 41 क्लियर, तो 7 कम 7 7 चौ 28 28 70 आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जो योग है ये 1 से कहां तक का बेटा 1 से 20 तक के वर्ग का निकला है, आपको बताना कहां से है 10 से 20 तक का, तो 1 से लेकर आपको 9 तक का वर्ग घटाना होगा। अब इतना लंबा सवाल आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है इसी सूत्र में 9 तक की संख्या रख दो, अगर आपके आप इस सूत्र में 9 तक की संख्या का वर्ग निकालोगे, अगर इस सूत्र से आप 9 तक की संख्या का वर्ग निकाल के इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 लिखो, ये 9 तक घटाना है तो लास्ट संख्या लिखो 9, क्योंकि n क्या है 9 है, अब यहां 9 और 10 गुणा 10 गुणा 9 2 18 19 और बटे 6, 3 2 6 3 3 9 कितना 5, 3 15 बराबर 15 गुणा 19, तो आप ऐसे कर सकते 15 गुणा 19 9 5 45 5 का हासिल कर 4 9 1 9 9 4 13 गुणा 1 5 5 1 ही कम 5 8 2, तो 285 आप घटा दो, तो 28 70 में से कितना गया 285, 10 5 गया 5, यहां रहेगा कितना 16 16 60 गए 8, यहां रहेगा 7 7 2 गए 5, यहां कितना रहेगा 2, तो भैया 25 85 का आंसर होगा। तो इस सवाल को यानी कि 1 से लेकर लगातार अगर कोई वर्ग पूछा गया है या बीच में से वर्ग पूछा गया है आपके सवाल हो गए, क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करेंगे इसी में क्या करेगा वो, इसी सवाल में क्या करेगा वो, इसी सवाल में ऐसा करता है वो, इसमें सम ले लेगा वो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग जमा 20 का वर्ग, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है का योग ज्ञात करे, यानी कि ये तो है लगातार संख्या, तो लगातार अपन ने आपको सूत्र बताया है, लेकिन ये क्या है सम, ये क्या है सम 2 4 6 8 लगातार है ये सम, ये क्या अंश है लगातार है सम, फिर यही वो विषम कर देगा, विषम कैसे करेगा 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग जमा 21 का वर्ग, ये क्या है विषम है, क्या पूछेगा
का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें, समझ में आया। तो सम कहे विषम कहे, तो आप कुछ ना क्या फॉर्मूला बना, थोड़ा सा चेंज बस, एन एन जमा वन और बस एन जमा टू बटा छः, यानी कि उस सूत्र में यहाँ टू था जो लगातार बढ़ा, और सम विषम में टू हटा दो बस, दोनों का एक ही फॉर्मूला, आपके सम विषम दोनों खत्म। कैसे? अभी वाला पूछा है, मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ पहले, ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला। तो लास्ट संख्या क्या है? बीस, तो रखो बीस गुणा बीस और एक इक्कीस गुणा बीस और दो बाईस बटे छः, तीन दूनी छः, तीन सते इक्कीस, कितना? दस, पास है ना, तो सत्तर गुणा बाईस, सत्तर गुणा बाईस, क्लियर। सात दूनी चौदह चार का हासिल करें, सात दूनी चौदह रे पंद्रह, पंद्रह सौ चालीस, क्लियर इस बात को लेकर। और अगर आपको, अगर आपको क्या कर रहे हो इस सवाल में, आपको क्या कर रहे हो, मिटो रहा हूँ, मिटो रहा हूँ, हो गया सवाल ये, अगर वो आपको समझा रहा हूँ अभी, अगर वो आपको ऐसा करे, दस का वर्ग बारह का वर्ग जमा जमा चौबीस का वर्ग, तो आप चौबीस रखोगे यहाँ, तो जो आंसर आओगा वो दो से लेकर चौबीस तक का योग का आंसर आओगा। आपको क्या करना है फिर, कि दो से लेकर आपको आठ तक का वर्ग घटाना है, जैसे मैंने पहला सवाल करा था, आपकी बात समझ में आगे होगी। लेकिन बहुत रेयर केस चांस होता है जो बीच में से पूछता है इन क्वेश्चन को, क्लियर। जैसे मैंने पहला सवाल करा था, ये जो फॉर्मूला है ये भी है ना शुरू से लेकर लास्ट तक का है, अब आपसे बीच में से पूछ लेगा, तो जो आप बीस रख रहे हो जो दो से लेकर बीस तक का वर्ग आया है, लेकिन अगर बीच में से पूछेगा तो क्या करोगे आप? मैंने आपको समझाया है पहले, लास्ट की संख्या का योग काट दो, लेकिन वो योग कहां से आओगा? शुरू से लेकर लास्ट तक का होगा, और जहां से पूछा वहां तक का योग करना, जहां से जहां तक का पूछा वहां तक का योग करना, तो पीछे का योग घटा दो, क्लियर इस बात को लेकर। या दिखाऊं कर गए सवाल, देखो मैं बोलूं कि दस का वर्ग जमा बारह का वर्ग जमा चौदह का वर्ग जमा बीस का वर्ग ज्ञात करें, बीस का वर्ग ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है? बीस रखो, बीस बीस और एक इक्कीस, बीस दो बाईस बटे छ, तीन दूनी छ, तीन सत इक्कीस, कितना आ गया? दस गुणा करो पंद्रह सौ चालीस, अभी लिखा था मैंने, क्योंकि सात दूनी चौदह चार का हजरे समझे पंद्रह आ गया। अब क्या करना है आपको? दो का वर्ग चार का वर्ग छः का वर्ग आठ का वर्ग घटाना है। अब या तो डायरेक्ट जोड़ लो खुद ही दिमाग से, क्यों आठ का वर्ग चौसठ हो, छः का वर्ग छत्तीस हो, सारा जोड़ लो, या क्या करोगे सूत्र में रख दो, कैसे रखोगे? आठ लिख दिया, आठ और एक नौ गुणा नौ गुणा आठ दो दस बटे छः, तीन दूनी छः, तीन तिया दो चौक आठ, चार तीय बारह दस एक सौ बीस, क्लियर। जोड़ सकते हो आप, आठ अठी चौसठ देख लो, आठ अठी चौसठ, छः छः छत्तीस सौ हो गया, चार चौक सोलह, दो दूनी चार एक सौ बीस, तो क्या करोगे आप? इसमें से घटा दो बस, एक सौ बीस जीरो दो चार एक चौदह सौ बीस, आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अभी इसी सूत्र पे क्या करना है? विषम का सवाल भी करना है, इसी सूत्र पे क्या करना है? विषम का सवाल भी करना है आपको। इस पे क्या हुआ? एक का वर्ग तीन का वर्ग पांच का वर्ग जमा आपसे कह रहे हैं इक्कीस का वर्ग, कह दो इक्कीस का वर्ग, ये क्या हो गया? ये विषम हो गया, ये विषम हो गया लगातार, ये लगातार, तो इसी सूत्र से विषम भी निकल जाएगा, ये सम का भी है और विषम का भी है। कैसे करोगे आप? लास्ट संख्या क्या है? इक्कीस है, तो इक्कीस गुणा इक्कीस और एक बाईस गुणा इक्कीस और दो तेईस बटे छः, तीन दो छः, तीन सतह इक्कीस, क्लियर। दो सौ कट्टे ग्यारह, ग्यारह सतह सतहत्तर, सतहत्तर इंटू तेईस, तो क्या करोगे आप? सतहत्तर गुणा तेईस में कर लो, तीन सौ चौदह चार का हासिल करेगा, तीन सौ चौदह रे पंद्रह गुणा दो सौ चौदह चार का हासिल करेगा, दो सौ चौदह रे पंद्रह चार नौ छः एक, तो सोलह सौ चौरानवे इसका आंसर होगा, क्लियर। अगर आपसे क्या करे, अब आपसे क्या करेगा वो, क्या करेगा? मैंने भी समझाया आपको, अगर वो बीच में से पूछेगा
तब भी करोगे लास्ट संख्या रख के, तब भी करोगे लास्ट संख्या रख के, वो क्या होगा टोटल होगा, होगा आगे वाली घटा दो। अभी सिखाया है मैंने आपको, अभी मैंने सिखाया है, क्लियर। तो अब बात करें किसकी, घन की। अब बात करें किसकी, घन की, क्यूब की बात करें घन की। वो क्या करेगा, एक की तीन जमा दो की तीन जमा चार की तीन जमा दस की तीन का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे इसमें, इसमें सूत्र ला दो n, n जमा वन बटे टू की घात दो। बस आपके तीन सूत्र रटने, किसी प्रकार भी, किसी प्रकार के तीन सूत्र रटने हैं, एन एन जमा वन बटे टू बटे टू। आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर की बात को लेकर। तो अब आपको क्या करना है, एन का मतलब क्या हो लास्ट संख्या, तो यहां रखो दस, यहां क्या करोगे दस अरे ग्यारह, ये गुणा में है ग्यारह और बटे दो, और इसका क्या है भैया आपका वर्ग। तो ये वर्ग बाद में होता है, पहले सारा सोल्व करो, पहले सारा सोल्व करो अंदर का, दो पंजे दस ग्यारह पंजे पचपन, पचपन का वर्ग क्या होता है, पचपन का वर्ग होता है बच्चों तीस पच्चीस, आंसर क्लियर इस बात को लेकर। मैं आपको वर्ग सिखाऊंगा, वर्ग सिखाऊंगा कैसे, जैसे 105 का वर्ग कितना है 110 25 ये इसका वर्ग है, जैसे 108 का वर्ग कितना है 116 64 ये है, डायरेक्ट सिखा दूंगा वर्ग करने आपको, ठीक है क्लियर। तो बात समझ में आ गया होगी आपके, क्या करना है सूत्र रखना है। अच्छा आप क्या होगे जी, इस पर समीसम नहीं देगा वो, नहीं देता भाई वो, नहीं देता वो, सवाल घुमाता है बस, वो इस पर समीसम नहीं देता है, वो कैसे करेगा, कैसे करेगा दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ, समीसम नहीं देता इस सवाल में, घन में समीसम नहीं देता है, वो क्या करता है घुमा रहा है, घुमाता है कैसे, देखो भाई देखो सवाल दे रहा है आपको, देखो देख लो घन का सवाल, एक का घन दो का घन तीन का घन जमा दस का घन बराबर, दस का घन बराबर ये कह रहा है 3025 हो तो दो का घन जमा चार का घन जमा छह का घन जमा बीस का घन जमा लगा दी, डॉट डॉट है का योग क्या होगा, का मान ज्ञात करें। ये कह रहा है कि एक का घन दो का घन तीन का घन जमा डॉट 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 जमा दस का घन, यानी कि कह रहा कि जो इसका योग है वो 3025 हो, तो इसी आधार पर दो का घन चार का घन छह का घन जमा डॉट डॉट बीस के घन का मान क्या होगा। मैंने कहा था कि समीसम पर नहीं देगा, इसको क्या करेगा, अगर समीसम पर दे रहा है तो इसको इसके जैसा बनाओगे। अभी आपको चीज समझाता हूं, देखो अगर यहां बेटे दो लिख रहा है और यहां भी दो लिख रहा है, इसका मतलब क्या है चार है, लेकिन अगर मैं कोमा लेना चाहूं, कोमा मतलब भाग लेना चाहूं कोई चीज, दो ले सकता हूं, क्योंकि ये जोड़ा है दो गुणा एक का, सॉरी ये गुणनखंड है दो गुणा एक का। अब मैं दो भाग ले लिया है, क्या बचा एक जमा, यहां का दो भाग ले लिया जमा एक, इसका मतलब ये गुणा में है। जब कोई चीज कोष्टक में होती है जमा में या प्लस में, सॉरी जमा में या माइनस में, तो भार की गुणा दोनों में होती है। अब मैंने यहां क्या करा, दो जमा दो था तो दो भार ले लिया, यहां क्या बचा एक, यहां क्या बचा एक, क्योंकि दो जो गुणनखंड है दो गुणा एक का है, तो दो गुणा एक का है। अब देखो जिंदा इसे दोबारा वापिस कर रहा हूं, दोबारा वापिस, दो एकम दो जमा दो एकम दो, देखो क्लियर। तो कोमा कैसे ले जाओगे, देखो अब एक चीज दिखाता हूं, दिखाता हूं और देखो, देखो यहां पे दो जमा छह, अब मैं क्या कोमा ले सकता हूं, देखो मैं यहां पे ये छोटी संख्या है, इसका फालतू कोमा नहीं आओगा, क्योंकि यहां दो जमा छह तो छोटी संख्या क्या है दो, कोमा का मतलब दोनों मो, जो दोनों मो, तो क्या लेगा बाहर दो, क्योंकि गुणनखंड है दो गुणा एक का, तो क्या रहेगा एक, अधाई गुणनखंड है दो इंटू तीन का, तो दो बाहर कितना आ गया तीन, क्लियर। अब देखो दो एकम दो, दो बार इंदा करा दो तिया छह,
क्योंकि भार गुणा में होता है और जब कोई चीज प्लस में हो तो गुणा दोनों में होती है। ठीक है, तो जब हमें क्या करना है अब देखो ये क्या है, 2 का घन 4 का घन 6 का घन जमा 20 का घन। अच्छा आपके चीज बताता हूँ, जैसे 4 है, ये इंपोर्टेंट बात है, जैसे 4 का वर्ग है, अगर मैं इस 4 को लिख लूँ, मैं 4 क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हटाया, समझो ये 4 है, मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2, 4 लिख सकता हूँ 2 गुना 2, अगर 4 का ऊपर वर्ग है तो 4 टुकड़े क्या हुए 2 गुना 2, तो 2 ही बार घर लगाऊंगा, तो जब इनका मान इसके मान के बराबर होगा, क्यों 4 चौक 16 है वो। अब देखो 2 दुनी 4, 2 का वर्ग 4 गुणा 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16। कहने का मतलब क्या है, अगर 10 का वर्ग है, अगर मैं 10 के टुकड़े कर रहा हूँ 5 गुणा 2, तो 2 ही वर्ग इसका करो जब इनका मान इसके मान के बराबर होता है। देखो 10 का वर्ग कितना 100, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 चौका 100। आपकी बात समझ में आ गई होगी, अगर आपने समझे मेरी बात, अगर आपने जैसे 10 की पावर 20 की पावर 2 है, आपने क्या करा 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 10 20, अगर आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए तो 2 का वर्ग यहां करो, 2 का वर्ग यहां, तो तब इसका मान इसके मान के बराबर होगा, क्यों 5 5 25, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 25 चौका 100, 100 चौका 400, और 20 का वर्ग क्या होता है 400। समझ में आएगा ना, आपकी बात समझ में आ गई होगी, आपके बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करूंगा, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं 2 को मान लूंगा, यहां क्या लूंगा 2 को मान, देखो 2 ले लिया, 2 की 3 भाग ले लिया, तो क्या बचा गया यहां 1, 1 की 3 दो कोई फर्क नहीं मारता, 1 की 3 मतलब 1 होता है। अब यहां देखो इसका मैंने क्या करा, फिर टुकड़े करे मैंने 2 गुना 2, अब इसका क्या है, जब 4 के टुकड़े करे 2 गुना 2, तो 3 यहां होगा, अब 1 3 भर आ गया, यहां क्या बचा 2 की 3 जमा ये टुकड़ा किसका 2 गुना 3 का, अब इसके टुकड़े करे 2 गुना 3, तो 3 यहां होगा, 1 3 आ गया भाग, क्या रह गया 3 की 3, बात समझ आ गई नहीं। अभी कैसा है, यहां देखो ये क्या है 10 दुनी 20, 3 यहां होगा, ये आ गया भार, यहां क्या रहेगा जमा 10 की 3। अब देखियो यू बन गया क्या, तो इसका जो मान है दिखाया गया है 3025 है, पूछा गया किसका, इसका मान है, अब इसका मान तो आ गया हो और भार यो भी है, इसका मतलब क्या होता है गुणा में होता है सबकी, तो 2 दुनी 4 दुनी 8, 2 की 3 मतलब 2 दुनी 4 दुनी 8 गुणा 8, आंसर 8 5 40, हासिल का 4, 8 2 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल का 2, 8 की गुणा 0 में 0 तो 20, 8 3 24, भाग समझ में आपके आ गई होगी, तो इसका आंसर है 24 200। ठीक है, तो इतनी बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी, तो जिस बच्चे सवाल समझ में आओ कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो सभी तक मेरी वीडियो पहुंच जा, तो बच्चों इसमें आज के लिए इतना ही काफी है।